लगातार आठवें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे, डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा। मार्च के पहले हफ्ते में ईपीएफ पर ब्याज दरों के तय होने की संभावना। ईपीएफओ सीबीडी की बैठक में होगी चर्चा। भारत की आर्थिक गतिविधियों प्री कोविड स्तर से सिर्फ 2% नीचे, नोमुरा की रिपोर्ट में दावा। अनचाही कॉल्स, ऑनलाइन फ्रॉड पर लगेगी लगाम, सरकार ने किया डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट बनाने का फैसला। अब पहले की तरह नहीं मिल सकेगा ज्यादा रिटर्न, नया कानून आने के बाद बिटकॉइन पर लग सकता है भारी टैक्स। इस साल बंद हो सकती है वोडाफोन आइडिया की 3G सर्विस, कंपनी 4G सर्विस पर करेगी अब फोकस। टैरिफ बढ़ाने की तैयारी में टेलीकॉम कंपनियां, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट में दावा। 2020 में भारत में 15 करोड़ स्मार्टफोन्स किए गए इम्पोर्ट, सालाना आधार के हिसाब से आयात में 0.2% की गिरावट। जनवरी में निर्यात में हुई 6.16% की बढ़ोतरी, आयात भी 2% बढ़कर हुआ $42 अरब। कोरोना के इलाज की सुविधाओं में विस्तार करेगा मेदांता, एडीबी देगा 100 करोड़ रुपए का कर्ज।